नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं बिहार निकाय चुनाव की। जी हां, ये अभी सबसे हॉट टॉपिक है अगर कहा जाए बिहार के लिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तारीखें तो जरूर तय हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय जरूर बरकरार है कि क्या समय पर चुनाव हो पाएंगे, या अगर हो गए तो क्या नतीजे जो आएंगे वो बरकरार रह पाएंगे। तमाम तरह के सवाल हैं, उसका जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव के बारे में आपको बताएं कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होना है और 30 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो अब 20 जनवरी को होगी, और कौन से मामले की सुनवाई है ये पहले आपको बता दें, उसके बाद पूरी बात बताएंगे कि आखिर संशय वाली स्थिति क्या बन रही है। दरअसल सरकार ने, जो बिहार की सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसे रिपोर्ट देना था, बताना था कि अति पिछड़ा वर्ग का जो सर्वे रिपोर्ट देना था, तो वो उस आयोग की ही योग्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं कोर्ट में, और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये क्लीन चिट दे दिया गया कि चुनाव कराए जाने हैं, तो पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोर्ट में जो अयोग्य है उसे अगर अयोग्य घोषित किया गया तो फिर क्या होगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, या फिर क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। जैसे ये जो सवाल उठ रहे हैं कि अब ये जो 18 और 28 दिसंबर को चुनाव है और 30 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई होगी 20 जनवरी को, आयोग की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस जो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया गया है जिस पर सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में क्या सवाल ये है कि एक बार फिर से चुनावों को स्थगित किया जा सकता है, बड़ा सवाल ये है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव को रोका नहीं जाएगा, लेकिन चुनाव को स्थगित किया जा सकता है, ये सवाल अभी भी फिलहाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। क्या चुनाव के बाद भी इसमें बदलाव हो सकता है, ये भी सवाल है, और साथ ही साथ चुनाव हो जाएंगे अगर, और उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी, और कोर्ट में सुनवाई के बाद अगर आयोग की रिपोर्ट को गलत ठहरा दिया गया या आयोग की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए, तो क्या होगा, बड़ा सवाल है। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नगर निकाय चुनाव जो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को होंगे और 30 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, क्या कुछ हो सकता है। तो दरअसल इस बारे में कुछ हमें जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बताएं कि 2021 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत को उचित ठहराए जाने के आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना था। इसके बाद राज्य ने उन स्थानीय निकायों में जहाँ ओबीसी आरक्षण दिए गए थे चुनाव पर रोक लगा दी थी, और बाद में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में तब्दील करवा वहां चुनाव कराए गए थे। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ हुआ था महाराष्ट्र में 2021 में, पर चुनाव कराए गए थे नगर निकाय चुनाव, और ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था, लेकिन बाद में जो कोर्ट का फैसला आया तो उस आधार पर आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना गया था और नगर निकाय चुनाव में रोक लगा दी गई थी। तो क्या जब 20 जनवरी को सुनवाई होगी तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हालांकि उस वक्त तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, अगर पर कोर्ट में मामला है और 20 जनवरी को सुनवाई होती है, अगर कोर्ट में आयोग की योग्यता पर सवाल खड़े होते हैं, जो पिछड़ा वर्ग कमीशन आयोग बनाया गया है, तो क्या कुछ होगा, जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसकी योग्यता पर फैसला होना है, तो ऐसे में जो इसकी रिपोर्ट पर जो चुनाव कराए जा रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं वो मुकम्मल रह पाएंगे क्या। चुनाव अगर समय पर हो भी गए तो इसके रिजल्ट का बाद में भी रद्द हो सकते हैं क्या। तमाम ये बातें खड़ी हो रही हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र वाला उदाहरण हमने दिया, उसके अलावा आपको बताएं
कि आखिर अति पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या जो विवाद है जो पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में आनन फानन में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और 2 महीने के भीतर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ने कमेटी को डेडिकेटेड मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इसे माना गया कि ये डेडिकेटेड आयोग है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेटेड मानने से इनकार किया था। उसके बाद जो इसी के रिपोर्ट पर जो ये रिपोर्ट दिया गया था अति पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव करने की अनुशंसा कर दी थी निर्वाचन आयोग से, बिहार सरकार ने। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने नए डेट का ऐलान भी कर दिया, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव और 30 दिसंबर को चुनाव का परिणाम की घोषणा की बात कही गई। तो ये हम आपको बताएं कि ऐसे में कहा गया कि ये केवल डेट बदला गया है। इससे पहले 10 और 20 अक्टूबर को ये चुनाव होने वाले थे, लेकिन अब ये जो है 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर की बजाय 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को फिक्स कर दिए गए। बाकी चुनावों के लिए सब कुछ वही। और इसमें कहा गया कि नए सिरे से नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया इस मामले में, बाकी सब कुछ वही रहा, केवल तारीखें बदल दी गई। तो न ही आरक्षण की स्थिति में और न ही नोटिफिकेशन जारी किया गया इस मामले में। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस मामले में जो पिछली चीज़ों को बरकरार रखा गया, नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, केवल तारीखें बदल दी गई। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है क्या, और मामला सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में फिर आगे क्या होगा जब 20 जनवरी को सुनवाई होगी जिसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग अगर अयोग्य हुआ तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में चुनाव अगर समय पर हो भी जाते हैं तो रिजल्ट आने के बाद भी क्या इस चुनावों को रद्द किया जा सकता है, बड़ा सवाल है। तो हम आपको बता रहे हैं जो सर्वे किया गया था, सर्वे जो किया गया था उसके बाद बताया गया कि इसमें जो रिपोर्ट थी पहले की उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया। आरक्षण का दर 20% था और आरक्षण के बाद भी 20% ही रह गया, यह कैसे संभव हुआ। तो इस मामले में मामला जो है निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया, लेकिन इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो ऐसे में कहा जा रहा है कि आयोग के द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। तो ऐसे हम आपको बताएं कि जो डेडिकेटेड कमीशन था उसका कहना था कि राज्य के सभी नगर निकायों को अति पिछड़ा वर्ग के जातियों का डाटा कलेक्ट करना था। इसके साथ ही पता लगाना था कि नगर पालिका की कुल संख्या में पिछड़ों की संख्या कितनी है या कितना प्रतिशत होती है, साथ ही कुल जनसंख्या क्या है। ये भी पता लगाना था कि कुल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व तो है कि नहीं, और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। और इसमें निर्धारित ये भी करना था कि आरक्षण अपर सीलिंग 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हुई, आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश हरी झंडी दी और चुनाव आयोग ने नई तारीखें जारी कर दी। तो अभी बड़ा सवाल है कि अगर समय पर चुनाव हो भी जाएंगे 18 और 28 दिसंबर को और 30 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे तो क्या वो परिणाम बरकरार रह पाएंगे क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।